दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज है सैटरडे। मैंने चार के चारों रूम की धुलाई कर दी है क्योंकि कल संडे है, बच्चे तो घर पे ही रहेंगे तो उनके साथ ये सब नहीं हो पाता। तो पूरी साफ सफाई कर ली है, नहाना धोना, कपड़े वपड़े सब हो गए हैं। अब मैं बनाती हूँ मलाई से घी और आपको भी दिखाऊंगी कि मैं किस प्रकार से घी बनाती हूँ मलाई से। तो ये रही हमारी मलाई, एक छोटे से भगोने और छोटे से कटोरे में रखा है। ये कम से कम 15-20 दिन की मलाई है, बच्चे तो खाते नहीं है मलाई को, इसलिए मैं इसको रख के घी बना लेती हूँ। तो घी खा लेते हैं। अभी हम इसको डालेंगे मिक्सी जार में, फिर इसमें ऐड करेंगे पानी, फिर दिखाऊंगी मैं आपको कि कैसे मिक्सी में मक्खन निकाला जाता है। मैंने इसको इसमें रख लिया है, अब मैं इसको चला लूँगी। ये देखिए, आप देख सकते हैं कितना अच्छा मक्खन बनके तैयार हुआ है हमारा। अभी इतनी मलाई और है, ये देखिए। अब इस प्रकार से मैं इसको करूँगी, देखिए एकदम मशीन की तरह, जैसे हम घर में बनाते हैं या हाथ से बनाते हैं। अब इसको डाल दूँगी कढ़ाई पे, इसी प्रकार से मैं सारा मक्खन निकाल के फिर दिखाऊंगी आपको। तो ये देखिए, हमारा मक्खन हो चुका है रेडी, काफ़ी अच्छी मात्रा में हुआ है मक्खन। अब मैं इसे गैस ऑन करके रख देती हूँ और घी बना लेते हैं ताज़ा ताज़ा, आपको भी दिखाऊंगी मैं। तो हमारा मक्खन हो चुका है अच्छे से मेल्ट, अब ये बनेगा घी। तो इसको बनने देते हैं अच्छे से, फिर दिखाऊंगी मैं आपको। तो हमारा घी एकदम रेडी होने ही वाला है, बस 5 मिनट और लेगा ये। अब दिखाऊंगी मैं आपको ये बनने के बाद। दोस्तों, ये रहा हमारा घी, कुछ ऐसा हो रहा है। ये पिछले महीने का है, मैंने सोचा इसे मैं डाल दूँ, चलो इसमें नहीं डालते हैं, इतना सही हो रहा है। ज़्यादा भी पिघल भी सकता है, वैसे तो आजकल फ्रिज में रखा है। तो इसको रखती हूँ मैं इस डिब्बे में, इस डिब्बे को मैंने खाली कर दिया, इसमें डाल दिया इसका घी, इतना सा है इसमें। इसमें मैं लेके आई थी गाँव से, और ये है मलाई का, ये भी मलाई का घी। चलो अब इसको डिब्बे में डालते हैं, देखते हैं कितना होता है। तो ये झाग को हम कर लेंगे इस साइड, ये छन्नी की मदद से हम डालेंगे इसमें। पहले मैं इसको पूरा डाल लेती हूँ, फिर दिखाऊंगी आपको। तो हमारा घी हुआ है इतना, कम से कम ये 2 गिलास के आसपास तो होगा ही, मतलब छोटे गिलास से। तो अब इसको ठंडा होने के लिए रख देती हूँ, फिर रख दूंगी मैं इसको दूसरे कमरे में, फ्रिज वाले कमरे में। अभी कढ़ाई में साफ़ कर लेती हूँ, वरना ये ठंडी हो जाएगी तो फिर अच्छे से साफ भी नहीं होती गर्म पानी के बिना। तो मैं इसको साफ़ कर लेती हूँ, और साथ बन गई है मेरी अजवाइन वाली चाय, इसको मैं फिर पी लूँगी। आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। तो अभी बजे हैं दिन के 12, तो मैं बच्चे 12:30 बजे आ जाएंगे, तो फटाफट से दाल चावल बना लेती हूँ। आज मैं बना रही हूँ मिक्स दाल, आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। चावल मैंने पहले इसमें डाला था बच्चों के लिए, फिर उनको चाहिए थी दूसरी वाली थाली, तो इसमें मैं खा लेती हूँ थोड़ा। लंच में है हमारा ये आलू मिर्च, आलू शिमला मिर्च की सब्जी, और ये अचार हो गया, और ये एक रोटी, और ये रही हमारी मिक्स दाल, और ये रहा अचार। अचार के बिना तो मेरा खाना पूरा नहीं होता है। तो अब मैं भी फटाफट लंच कर लेती हूँ, फिर बच्चों को कराऊंगी मैं बर्तन वर्तन धोने के बाद होमवर्क, फिर 3 बजे तक हम सो जाएंगे। अब आपसे मिलूंगी मैं सीधा शाम को 5 बजे। पार्क से आने के बाद मैंने इनको नहला लिया था, मैं खाना बनाने में लगी, इनसे पढ़ने को बोला तो इनके ये हाल हैं, बिना साथ में बैठे पढ़ते नहीं हैं। तो मैं अब इनको पढ़ा लेती हूँ 9:30 बजे तक। ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, आपको मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।